अगर कोई व्यक्ति आप पर झूठा मुकदमा दर्ज कराने के लिए धमकी देता है और कहता है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा झूठे मुकदमे में फंसा करके, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग घबरा जाते हैं। आप लोगों को नहीं पता होता है कि उसको आप कैसे सजा दिलवा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिसे आप जानकर काफ़ी लाभ प्राप्त कर सकते हैं और उस व्यक्ति पर जिसके पास इतना घमंड है कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मुकदमे में फंसा करके, झूठे मुकदमे में तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, परेशान कर दूंगा, तो आप उसे हमेशा हमेशा के लिए परेशान कर सकते हैं और वह भी आपको जान जाएगा कि आपके पास कितना कानूनी नॉलेज है और वह कभी आपको पलट कर देखेगा तक नहीं। तो मैं आज की इस वीडियो में आप सभी को यही बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं हूं कुमार प्रदीप, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट से जरूर करें, अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे वीडियो आप तक तुरंत पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि गांव में आप अगर रहते हैं या फिर कहीं शहर में भी रहते हैं तो शहर में तो मार झगड़ा होना बहुत कम होता है और गांव में अगर आप रहते हैं तो आपको पता ही होगा कि छोटी छोटी बातों पर आपके आसपास के पड़ोस के लोग आपको हमेशा परेशान करते रहते होंगे। आपसी रंजिश की वजह से या किसी अन्य मैटर की वजह से आपको हमेशा धमकी देते होंगे कि मैं तुम्हें झूठे मुकदमे में फंसा करके और तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। तो आपको ये जानना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है आपको और आपके साथ अगर झूठा मुकदमा करने के लिए धमकी दे दिया है तो आपको सबसे पहले थाने पर जा करके लिखित एक अप्लीकेशन देना चाहिए कि मुझे यह व्यक्ति फला व्यक्ति पुत्र फला, मान लीजिए एप्लीकेशन लिखा जाता है तो उसमें पूरे डिटेल देना होता है कि कौन सा आदमी और उसके पिता का क्या नाम है, उसका घर कहाँ है, ये सारी डिटेल आपको देनी चाहिए और वहाँ पर लिखना चाहिए कि इस व्यक्ति के द्वारा मुझे झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की जा रही है और वो हमेशा धमकी देता है। दोस्तों, आपको पता ही है कि थाने पर अगर आप ऐसा एप्लीकेशन देते हैं तो आपके साथ कोई कार्यवाही नहीं होगी, आपको पता ही है। लेकिन अगर आप ये दे देते हैं लिख करके और उसकी रिसीविंग स्लिप आप ले लेते हैं तो आपको मैं बता रहा हूँ कि आप इतना काफ़ी लाभ उठा सकते हैं उस रिसीविंग स्लिप से कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये तो रही बात कि आप जब भी कोई आपके धमकी दे आपके ऊपर कि मैं तुम्हें झूठे मुकदमे में फंसा दूंगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, थाने पर जाना है, थाने पर एक एप्लीकेशन देना है, कंप्लेंट अपनी लिखवानी है कि फला व्यक्ति के द्वारा मुझ पर झूठा मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी जा रही है, ठीक। और मान लीजिए धमकी दे दी गई, आपने एप्लीकेशन लिख कर दिया, वहाँ पर कंप्लेंट लिख करके दिया, उसकी रिसीविंग स्लिप ले ली, ठीक, और वह व्यक्ति आपके खिलाफ किसी भी कोर्ट में जा करके झूठा मुकदमा दर्ज करा देता है तो उस समय आपके पास नोटिस आएगी आपके घर कि आपके ऊपर यह इस धारा में, किसी भी धारा में जो भी धारा लगी है उस धारा में आपके खिलाफ आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, आपको कोर्ट में हाजिर होना इस तारीख पे। तो जब भी आपको कोई नोटिस ऐसा आए जिस पे एफआईआर दर्ज हो गया है तो आपको कोर्ट में जाना चाहिए और कोर्ट की मदद करनी चाहिए वहाँ हाजिर होकर के। और फायदा क्या है इस रिसीविंग स्लिप का कि जब आप मुकदमा में फंसे हैं और वहाँ पे आप जब बेल के लिए एप्लीकेशन देंगे जमानत के लिए तो आप वो रिसीविंग स्लिप दिखा सकते हैं कि मुझे धमकी मिल गई थी पहले ही झूठे केस में फंसाने के लिए, तो इससे क्या होगा कि आपको जमानत बहुत जल्द मिल जाएगी। चलिए, ये तो रही बात कि आप अगर ऐसी धमकी मिलती है तो आप कैसे बच सकते हैं, ये बचाव का कारण है। अब रही बात कि आपके ऊपर जिसने भी जो भी व्यक्ति आपके ऊपर झूठा एफआईआर दर्ज कराया है उसके ऊपर आप कैसे एक्शन ले सकते हैं, कैसे कार्रवाई कर सकते हैं, अब मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए बात करते हैं इसके विषय पर। तो अगर आपके ऊपर झूठा एफआईआर दर्ज हो गया, आपने जमानत करा ली, उस रिसीविंग स्लिप लगाने की वजह से आपको बेल मिल गया क्योंकि जज साहब भी देखते हैं कि यह सही बात है कि आपको पहले ही धमकी मिली थी, जमानत आपने करा लिया बाद में, ठीक है, अब क्या करना है, आप उससे मुआवजा तक ले सकते हैं और आपको आप उसे सजा भी दिलवा सकते हैं झूठा एफआईआर जो आपके ऊपर दर्ज कराया है, मुकदमा दर्ज कराया है। तो आपको क्या करना है कि सीआरपीसी सेक्शन 482 के तहत आपको हाई कोर्ट में जाना है और अपने किसी वकील के माध्यम से एक एप्लीकेशन लगवानी है कि मेरे पास ये सबूत है, मेरे ऊपर आपने झूठा एफआईआर दर्ज कराया था। तो अगर ऐसा आप कर देते हैं और एप्लीकेशन देते हैं हाई कोर्ट में जा करके तो आपके पक्ष में ये फैसला होगा कि उस व्यक्ति के द्वारा मुआवजा दिलवाया जाएगा और उसे 1 साल की कारावास की सजा हो सकती है, आर्थिक दंड भी लग सकता है और इस तरह से आप उस व्यक्ति पर सजा दिलवा सकते हैं, एक कार्रवाई करा सकते हैं सीआरपीसी सेक्शन 482 के तहत। 482 के तहत आप
कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में, और वहाँ पर एक वकील के माध्यम से एक अप्लीकेशन देंगे और उसको यह जो FIR दर्ज हुआ है, मुकदमा दर्ज हुआ है, आप उसे चैलेंज कर सकते हैं कि यह मेरे ऊपर झूठा केस दर्ज हुआ है। तब जाकर आपको यह राहत मिलेगी, आप उसे सजा दिलवा सकते हैं। उसे क्या है कि 1 साल की सजा होगी, आर्थिक दंड भी लग सकता है और काफ़ी आपको हो सकता है कि मुआवजा दिलवाया जाए। ये जो वहाँ के जज होते हैं वहाँ पर आपकी स्थिति देखी जाएगी, क्या परिस्थिति रही है और किस कारण के वजह से आपके ऊपर यह झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है, उस हिसाब से दंड लगेगा और वो आपको मुआवजा दिलवा देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर जो हम जानकारी दिए हैं, मैं जानकारी जो दिया हूँ, अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें इस वीडियो को और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, क्योंकि उन लोगों को भी ये सब पता होनी चाहिए। दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।